आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं साहेब बीवी और गैंगस्टर थ्री की एक्टर चित्रांगदा सिंह से। आइए पूछते हैं उनसे कुछ सवाल। आप पहली बार साहेब बीवी और गैंगस्टर के सीक्वल में नजर आएंगी, कैसा लग रहा है? नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली, क्योंकि ये पहले से लोगों को इतनी पसंद आई है। सो मैं नर्वस भी हूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इसको ज्वाइन कर रही हूँ। सो आई होप लोगों को मेरा काम पसंद आए इस फिल्म में। साहिब और बीवी को तो वैसे ही लोग बहुत चाहते हैं, एंड गैंगस्टर हमारे ऑलरेडी द ओरिजिनल गैंगस्टर ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री अपने संजू हैं। सो आई एम स्लाइटली नर्वस बट एक्साइटेड। सो मुझे लगता है कि लोगों को शायद पसंद आएगा मेरा काम। अपनी कैरेक्टर सुहानी के बारे में कुछ तो बताइए। बेसिकली सुहानी का जो कैरेक्टर है वो सबसे प्योर और जो इनोसेंट कैरेक्टर है फिल्म के अंदर वो उसका है, जिसकी और कोई एम्बिशन या और कोई इंटेंशंस नहीं है सिवाय इस गैंगस्टर के, जिसको वो प्यार करती है। एक अनरिक्विटेड लव है उसको, उसको मिला नहीं वो जिससे वो जिसको वो हमेशा से चाहती थी। एक नाच घराने की लड़की है, तो वो रॉयल्टी है, तो थोड़ा सा उसकी औकात के बाहर है। तो हाँ, ऐसा कैरेक्टर है। क्या ये रोल चैलेंजिंग था आपके लिए? चैलेंजिंग तो थोड़ा, क्योंकि असल में एक अभी काफ़ी टाइम से काफ़ी अर्बन कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, ये थोड़ा रूरल है कैरेक्टर। तो ये बात मैंने एक्चुअली तिग्मांशु से डिस्कस करी थी शुरू करने से पहले फिल्म को, कि सुहानी को भी मतलब इसमें इस दुनिया में ब्लेंड हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि कुछ लाइक बॉडी लैंग्वेज है या बात करने का ढंग है, वो रूरल लगना चाहिए, करेक्ट लगना चाहिए उस माहौल में। सो ही वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट। उन्होंने कहा कि कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं, जो मैंने लाइनें लिखी हैं वो जाके वहाँ बोल देना और बाकी जो शक्ल है तुम्हारी उससे संभल जाएगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है। सो ही वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ हिम, कि मुझे पता है कि अगर कोई चीज़ कोई टेक सही नहीं होगा या कोई मेरी परफॉर्मेंस अगर सही नहीं होगी, वो उसको ओके तो नहीं करेंगे क्या इस रोल के लिए कुछ खास देंगे। तैयारी करनी पड़ी थी आपको? मैंने कथक सीखा थोड़ा बहुत, क्योंकि उसमें एक पीस है, एक म्यूज़िक पीस है जो मुझे करना था, सेमी क्लासिकल, जो सरोज खान जी ने उसको कोरियोग्राफ किया है। सो आई हैड टू प्रिपेयर अ लिटिल, बट उसके लिए भी क्योंकि टाइम पर वो रेडी नहीं हुआ म्यूज़िक पीस, हमको जाना था शूटिंग के लिए, तो हम सिर्फ 2 दिन का टाइम मिला उसकी भी रिहर्स करने के लिए, ज़्यादा समय नहीं था। बट उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं था जो जो सीखना पड़ा हो, नहीं। क्या ये कैरेक्टर कुछ अलग होगा? वो एक माहौल जो है, वो जो दुनिया है, डेफिनेटली उसका एक रेफरेंस तो पता है कि किस तरह के लोग हैं, क्या है, लेकिन क्योंकि ये नया कैरेक्टर है और एक ऐसी लड़की, जैसे मैंने कहा आपको, उसका बाकी लोगों से कुछ लेना देना नहीं एक्सेप्ट द गैंगस्टर, तो सिर्फ वही एक कनेक्शन है उसका। और जब वो गैंगस्टर वापस आता है और वो इन सब कॉम्प्लिकेशंस में फंस जाता है, फिर इनके रिलेशनशिप को क्या होता है और उस रिलेशनशिप की वजह से बाकी सबको क्या होता है। सो ये है, तो आई एम मैं आखिरी कड़ी हूँ विच इज़ अफेक्टिंग एवरीथिंग। कोई खास वजह इस फिल्म में काम करने की? वजह सिर्फ और सिर्फ तिग्मांशु हैं, क्योंकि उनके साथ काम करने का बहुत मन था बहुत पहले से, और वी प्रॉब्ली वुड हैव वर्क टुगेदर इन 1999, बिकॉज उस समय वो हासिल अपनी पहली फिल्म कर रहे थे एंड ही मेट मी इन दिल्ली मुझे कास्ट करने के लिए। लेकिन आई डोंट नो वॉट हैपेंड, वो फिर फिल्म पूरी बॉम्बे शिफ्ट हो गई, मैं उस समय दिल्ली में ही थी, सो वो डिडन्ट वर्क आउट समहाउ। लेकिन आई हैव ऑलवेज वॉन्ट, एंड इतने कमाल के वो राइटर हैं, डायलॉग राइटर हैं, इवन फर्स्ट एंड सेकेंड में जो डायलॉग्स हैं इसमें भी इतने अच्छे डायलॉग्स हैं। सो क्या जब इस फिल्म में संजय दत्त कास्ट किए गए तो आपका रिएक्शन कैसा था? रिएक्शन तो था वाओ, लाइक पहले मुझे आई डिडंट नो कि तब तक वो संजू कंफर्म हो चुके थे, मुझे नहीं बताया था। आई ऑफ कोर्स वाज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द फिल्म, मुझे इतना बोला था, उन्होंने कहा था सुहानी का कैरेक्टर है वो, इसकी लव इंटरेस्ट बनेगी, एंड देन दे टोल्ड मी कि संजू इज़ प्लेइंग द गैंगस्टर। सो दैट केम, दैट इन्फॉर्मेशन केम लेटर, पर पहली जो मेरी एक्साइटमेंट थी वॉज टू वर्क विद तिग्मांशु इन द फिल्म। यस, कुछ संजय दत्त के बारे में बताइए। बहुत ही वॉर्म एंड इनफैक्ट काफ़ी शाय भी हैं टू टू टॉक टू मच, एंड स्पेशली रोमांटिक सीन्स में तो वो बहुत बहुत शाय, ही इज़ लाइक आई वॉज गेटिंग नर्वस बट आई सॉ हिम, उनकी हालत शायद मुझसे थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, सो आई सेड ओके दिस इज़ ओके। और संजय दत्त के साथ काम करके कैसा लगा आपको? वो काफ़ी अपनी किस्से कहानियाँ सुनाते रहते थे, उनको वो सफारी पे बहुत जाते हैं साउथ अफ्रीका एंड केन्या सब जगह, उनको बड़ा यू नो
So he used to keep telling me about his stories and like also about his parents and pehle ki kahaniyan. I was very keen also to know. So he's full of stories. Very interesting man actually. So I had good time working with him. Very good. ऐसा कोई किरदार है जो आप फ्यूचर में करना चाहेंगी? You know, I would love to play a notch girl, जैसे कि उमराव जान थी, उस तरह की. मुझे लगता है कि उस समय में और उस तरह की जो औरतें थीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ्स थी उनकी. एंड इन अ लॉट ऑफ वेज वो काफ़ी मॉडर्न थिंकिंग थी. आई मीन इफ़ यू टॉक अबाउट द 1800s की बात कर रही हूँ मैं, अगर मतलब कोई हिस्टोरिकल उसमें जाके प्ले अ नॉच गर्ल, आई थिंक दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग. आपकी आने वाले फिल्म प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए। आई थिंक जो काम आता है वो पसंद नहीं आता, जो ऑफर किया गया है वो रोल्स पसंद नहीं आए थे, तो कुछ ये भी है कॉम्बिनेशन. सो आई थिंक आर्टिस्ट हमेशा जो काम मिलता है उसमें से आप यू ट्राई टू चूज द बेस्ट यू कैन. सो या